हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे पके हुए पपीते का हलवा बनाने के बारे में, बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बन जाता है। चलिए बताते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले देखिए, हमने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, पके हुए पपीते को बाइट में कट कर लिया है, छोटे छोटे बाइट में। चलिए बना के दिखाते हैं आपको पके हुए पपीते का टेस्टी हलवा। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाला 2 चम्मच घी। देसी घी हमने डाला है हलवे के लिए। हलवा जब भी बनाए देसी घी में ही बनाए, उसी में उसका स्वाद अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 इलायची डालेंगे, हम हरी इलायची का यूज हम कर रहे हैं। इसके बाद में हम इसमें पके हुए पपीते को, जिसे हमने छोटे छोटे बाइट में कट करके रखा था, डाल देंगे घी पिघलने के बाद में। अब इसे चलाएंगे, इस तरह से चलाते हुए आप जिस भी चीज से चलाते हैं इस तरह से करिएगा, इसके छोटे और भी छोटे छोटे बाइट हो जाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी चलाते हुए। इस तरह से आप लगातार करते रहिएगा, अपने पलटे से, करछी से, जिससे भी आप चलाइएगा, तो आसानी से बहुत ही छोटे छोटे मतलब बारीक हो जाएगा। इस समय हमारे गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम है। 5 मिनट चलाते हुए देखिए किस तरह से हमारा जो पपीता है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे, शक्कर आप स्वादानुसार डालिएगा। हमने इसमें 2 चम्मच शक्कर डालनी है, क्योंकि ना हमें बहुत ज़्यादा मीठा खाना है ना कम, मीडियम का रखना है, तो इसलिए हमने 2 चम्मच शक्कर ऐड किया है इसमें। और हमारा जो पपीता था वो भी काफ़ी मीठा था। चलिए बताते हैं कि और क्या डालेंगे इसके हलवे में स्वाद को बढ़ाने के लिए। हमने देखिए गरी का बुरादा और बादाम दोनों को इस तरह से कट करके रखा है। गरी के बुरादे को कद्दूकस किया था और बादाम को बारीक कट किया था चाकू से। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे इसका स्वाद जो होता है और अच्छा हो जाता है डालने पे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। अगर हमारा तरीका, हमारी रेसिपी पसंद आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, एंड तक हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको पता चल सके कि इसके स्वाद को और भी अधिक बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। देखिए तैयार है हमारा हलवा। चलिए बताते हैं कि इसमें और क्या हम डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश मलाई। मलाई को फेंट लीजिएगा तब डालिएगा। हमने भी मलाई को फेंट लिया है, इसके बाद में ही इसमें हम डाल रहे हैं। हमने इसमें टोटल 3 चम्मच मलाई का यूज़ किया है अपने हलवे में, इससे इसका स्वाद और भी अधिक बढ़ जाता है। अगर आपके यहाँ मलाई नहीं है तो मार्केट में भी मलाई मिल जाती है, आप आसानी से ले आ सकते हैं, तो बनाइएगा ज़रूर एक बार ये रेसिपी। अब अच्छे से इसे चलाएँगे फुल फ्लेम पे। अब हम इसे भूनेंगे कम से कम 2 मिनट तक, ताकि जो मलाई है वो अच्छे से हलवे में मिक्स हो जाए, अलग अलग सी ना दिखे। ये हलवा बनाने के लिए जिस हिसाब से आपका हलवा हो या पका पपीता हो, आप उस हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपका समय भी कम ज़्यादा हो सकता है। 2 मिनट हो चुका है, देखिए मलाई अच्छे से मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी अलग सी नहीं दिख रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे निकाल के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा पके हुए पपीते का टेस्टी हलवा। आप भी इस तरह से बनाकर खाइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी गार्निशिंग में हमने नारियल और बादाम का यूज़ किया है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।